हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं हमेशा की तरह एक और खूबसूरत सा तोरण की डिज़ाइन लाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है और इसे मैंने 2 कलर्स पे बनाया हुआ है। मेरे पास ऊन उतना अवेलेबल नहीं था, तो ये इस यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन, बहुत लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन मैं की हूँ। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा मेरा ये घट गया था, तो मैं यहाँ पे येलो का ऊन का यूज़ की हूँ। यहाँ पर मेरी टोटल 400 ग्राम ऊन लगा है। और इस तरह से मैं मोती भी यहाँ पर यूज़ की हूँ। ये मोती आपको बहुत आसान तरीके से मार्केट में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा आपको दूर से भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैं लगाई हूँ, पहले तोरण का डिज़ाइन में डाली हूँ, उसके बाद मैं लटकन बनाई हूँ, इस तरह से झालर में बनाई हूँ, और जो लटकन है मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे फैमिली जैसे बन गए हो। आप जैसे मुझे सपोर्ट करते हो, वैसे आप मेरे सिस्टर को भी सपोर्ट करें। उनका भी एक चैनल है, संगीता महातो ऑफिशियल 55, उनका उनका यूट्यूब में चैनल है। प्लीज़ आप लोग जाके उन्हें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें। उनका अपना एक ब्लॉग आता है, ब्लॉग वगैरह डालती हैं, वो ब्लॉग डालती हैं। और उनका पार्लर वगैरह, पार्लर से रिलेटिव जो भी मेकअप वगैरह वो अपना डालती हैं। तो अगर आप लोग मेकअप वगैरह पसंद करती हैं तो उनके ब्लॉग, उनके चैनल में जाके देख सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका चैनल मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड। अब प्लीज़, वो मेरी सिस्टर है, तो जैसे आप मुझे प्यार देते हो, मेरी सिस्टर को भी प्यार दे और उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से मैं, देखिए पहले तो मैं 250 ग्राम लेके बैठी थी, लेकिन मेरा टोटल लगा है 400 ग्राम। तो इस तरह से आपको भी 400 ग्राम आप ले लीजिएगा। मैं 4 प्लाई की ऊन इस तरह से ली थी, लेकिन दोनों को ज्वाइंट करके मैं बनाई। सिंगल बना रही थी तो बहुत पतली हो रही थी, तो मैं ज्वाइंट करके बनाई। और इस तरह से देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको सामने से, इस तरह से मोती आती है। और यहाँ बीच में देखिए होल होता है थोड़ी बड़ी साइज़ की, तो आप इससे क्रूस से, यानी कि क्रोसिया से बहुत अच्छा से आप निकाल सकते हो। और इस तरह से सीजर आपको ले लेना है। और यहाँ पर मैं 5 नंबर का नीडल्स यूज़ की हूँ और 3.0 mm का है, लेकिन मैं एक और नीडल्स यूज़ की हूँ 6 नंबर का, ठीक है। तो आपको 6 नंबर का भी नीडल्स लेके बैठना है। तो क्या होता है, बिनने के बाद ही पता चलता है कि मुझे किस नंबर का नीडल्स का यूज करना है। तो कोई ऊन मोटी होती है, कोई ऊन पतली होती है। तो इस तरह से मैं दोनों को ज्वाइंट करके बनाऊँगी, क्योंकि मैं जब बना रही थी सिंगल तो बहुत पतली हो रही थी, तो ये बता देती हूँ मैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कितने ऊन लगा हुआ है वो टोटल चीज़ मैं बता दूंगी और कौन सा नंबर यूज कर रही हूँ नीडल्स में। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको राउंड घुमाना है। ये देखिए नीडल्स को मैं कैसे पकड़ी हूँ। तो नीडल्स को आपको इस तरह से पकड़ लेना है, और ये 5 नंबर का नीडल्स है, क्रोचेट नीडल्स। तो इस तरह से हुक को आपको ऐसे रखना है और इसे इस तरह से राउंड पूरा घुमाते हुए एक राउंड। इसके बाद देखिए ये इस तरह से बंध गई। अब मैं इसके अंदर से, इस लूप के अंदर से एक फंदा निकालूंगी और नॉट लगा लूंगी, ठीक है। इस तरह से आपको नॉट लगा लेना है। एक और चेन लेते हुए मैं इसे सिक्योर करूंगी। इस तरह से मैं नॉट लगा ली फिर से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 70 यानी 70 चेन बनाऊंगी। तो आप इसे देखिए कट भी कर सकते हो, ये जो मैं उनको कट कर दी थी, तो वैसे आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको 10 यानी 10 चेन बना के दिखाती हूँ, और इसी तरह से आपको 70 चेन बना लेना है, यानी 70 चेन बना लेना है आपको। तो ये देखिए इस तरह से मैं 10 चेन बना रही हूँ, और मैं पूरा काउंट करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अब ये 70 मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे कोई कोई व्यूवर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपको काउंटिंग करने नहीं आता है, आप अच्छा से समझा नहीं पाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हो
तो किसी को डेमोलोज भी यानी कि सॉरी हौसला अगर नहीं किसी का बढ़ा सकते हो तो किसी को इंसल्ट भी मत कीजिए। मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और जो थोड़ा मोरा टाइम निकलता है तो मैं उसी टाइम में बनाती हूँ। वीडियो बनाते बनाते क्या होता है, कभी कभी मैं कुछ भूल भी जाती हूँ क्योंकि छोटे छोटे वीडियो मैं शूट करती हूँ, उसे फिर ज्वाइंट करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हौसला बढ़ाया करें, ऐसे कमेंट ना किया करें। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 70 चेन बना ली हूँ, 70 चेन, इस तरह से 70 चेन आपको बना लेना है। और ये सामने से दिखा देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं इतना अच्छा से समझा सकूँ, जितना बन पड़ता है मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 4 चेन को आपको एकदम स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और 5 वाला जो चेन है उसके अंदर से मैं डबल क्रोशे इस तरह से निकालूंगी, ठीक है। और ये देखिए, ये चेन को भी मैं काउंट कर लूँगी, यहाँ पे टोटल आपको 6 निकालना है। तो 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 5 टाइम निकालूंगी, 5 बार मैं इसी तरह से निकालूंगी, ठीक है। और चेन चेन को काउंट करूंगी तो ये टोटल आपका 6 कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फर्स्ट रो चल रहा है, मैं चेन को काउंट नहीं कर रही हूँ, तो ये फर्स्ट रो चल रहा है आपका। तो ये देखिए टोटल आपका 6 बन चुका है। 6 बन जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, और नीचे में मैं 4 चेन को स्किप करूंगी, छोड़ दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से काउंट कर लेना है। तो 4 को मैं इसे छोड़ के और 5 वाले नंबर पे मैं 5 वाले चेन पे मैं इस तरह से हुक को फंसाते हुए और नॉट लगा लूँगी, ठीक है, सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर में मैं 1 चेन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, नीचे में 1 चेन को माइनस कर रही हूँ, ठीक है। फिर देखिए मैं 5 चेन बनाऊँगी, 2 3 4 5। 5 चेन बन जाने के बाद अब नीचे में मैं फिर से 4 चेन को छोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी, और 5 वाले चेन से मैं यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, इसे ज्वाइंट नहीं करना है, तो डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे 4 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से 4 चेन आपको निकालना है। ये जो आगे तरफ जो मैं बना रही थी, ये मैं जो हैंग करने वाला जो आपका ये होता है तो उसको फंसाने के लिए मैं आगे में जो बना रही हूँ बॉर्डर, ये इसके लिए है। और इधर जो बॉर्डर है वो आपका तोरण का बॉर्डर है, ठीक है, पाइप को फंसाने के लिए ये मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन लूँगी, जैसे मैं यहाँ पे 5 चेन ले रही थी तो मैं इस तरह से 3 चेन लूँगी और नीचे मैं 2 चेन को स्किप करूँगी, ठीक है, 1 2, इसे मैं छोड़ दी। और 3 वाले में मैं इस तरह से निरर्स के हुक को फंसाऊँगी, ये देखिए इस तरह से अंदर की ओर डालूँगी और उनको, ये देखिए इस तरह से उनको मैं फंसाते हुए निकालूँगी और सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ठीक है, ज्वाइंट करते हुए। ये हो गया आपका। अब मैं फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 3, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद अब मैं फिर से यहाँ पे नीचे 2 चेन को स्किप करूँगी, छोड़ दूँगी मैं, और 3 वाले नंबर पे मैं डबल क्रोशे निकालूँगी 4 टाइम। ये आपका बॉर्डर बन रहा है, तोरण का बॉर्डर, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी, नीचे में देखिए 2 को स्किप करी थी और ऊपर मैं 3 चेन बना रही हूँ, तो वैसे मैं यहाँ पे 5 5 बनाई और यहाँ पे देखिए 4, ठीक है, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड आपको। अब मैं देखिए 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से निकालते जा रही हूँ। तो ये 4 टाइम आपको रिपीट करना है। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया ये बॉर्डर। तो बॉर्डर को आपको ऐसे ही बनाना है इस तरह से, देखिए। अब बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी और नीचे 2 चेन को स्किप कर दूंगी, ठीक है, और तीसरे वाले जो 3 वाले जो चेन है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए ये जो 3 वाले चेन है
यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। इस तरह से देखिए फ्रेंड, एक बॉक्स तैयार हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 बॉक्स बनाऊँगी फर्स्ट रो में। तो फिर मैं 2 को स्किप कर दे रही हूँ और 3 वाले चेन से मैं 1 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ और ऊपर में मैं 2 चेन ले रही हूँ, ठीक है। नीचे में 2 को स्किप करना है, छोड़ना है, और ऊपर में 3 2 चेन को लेना है। तो ये देखिए आपका 2 बॉक्स तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो पहले जो डबल क्रोशिया निकाली थी उसे भी मैं काउंट करूँगी और यहाँ से 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया इस तरह से मैं 3 टाइम निकालूँगी। तो ये देखिए आपका 3 हो गया है। अब ये 4, यानी उसको काउंट करने से ये 4 रहा है, लेकिन 3 टाइम में डबल क्रोशिया निकाली, ठीक है। तो ये टोटल को आप 4 करोगे तो ये आपका टोटल को काउंट करोगे तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको 10 बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से देखिए 2 को स्किप करके और 3 वाले से मैं डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। इस तरह से ये 1 बॉक्स तैयार हो गया। फिर 2 चेन लूँगी मैं और फिर नीचे 2 को स्किप करके और 3 वाले से मैं डबल क्रोशिया निकालूँगी। इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए जाऊँगी और 10 बॉक्स बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह से 10 बॉक्स मैं बना के दिखाती हूँ आपको यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे 9 बॉक्स बना चुकी हूँ और एक आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड आप इसे थोड़ा सा इसे प्रेस करके रोक के भी देख सकते हो और इस तरह से भी काउंट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप देख के भी समझ जाओगे। तो इस तरह से देखिए मैं सिंगल क्रोशिया फिर से कर रही हूँ। तो ये टोटल आपका 10 बॉक्स तैयार हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से 10 लूप आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 चेन लूँगी। 3 चेन के बाद फिर इसके बाद 3 चेन लेने के बाद मैं और 2 चेन एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं 2 चेन लूँगी और ये सेकेंड रो चल रहा है फ्रेंड, ये सेकेंड रो है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया निकालूंगी और ये देखिए 6 नंबर का मैं नीडल्स का यूज़ कर रही हूँ और 3.5 mm का है, क्योंकि इससे बना रही थी तो ये थोड़ा सख्त बिनावट हो रहा था, तो इस कारण में, तो कोई कोई उनमें थोड़ा सख्त बिनावट होती है, किसी में नहीं। तो ये देखिए मैं इस तरह से 5 चेन बनाई। तो यहाँ पर 2 को हमेशा आपको ये करना होगा, तो यहाँ पर 2 मैं इसी कारण एक्स्ट्रा ली। फिर 2 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन ले रही हूँ, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से आपको 9 बॉक्स तैयार करना है, ठीक है। फर्स्ट रो में आपको 10 बॉक्स और सेकेंड वाले रो में आपको 9 बॉक्स बनाना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो मैं यहाँ तक करके दिखा देती हूँ और 8 वाला जो है इसे मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 7 बॉक्स बनाई, ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लास्ट 8 बॉक्स बनाऊंगी। तो इस तरह से 2 चेन ले लेना है आपको। ये सेकेंड ही रो चल रहा है अभी तक। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर से मैं डबल क्रोशिया ही कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 8 बॉक्स तैयार हो गया है। ये जो आपका 9 बॉक्स तैयार हो गया है और जो 10 वाला बॉक्स है, मैं यहाँ से डबल क्रोशिया निकालूंगी 2 टाइम इस लूप के अंदर से। और यहाँ 3 हो गया टोटल, इसे काउंट करोगे तो, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया भी निकालूंगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो लीफ तैयार करूँगी उसका वो ब्रांच बन रहा है, उसका जो डंटली होती है वो मैं बना रही हूँ अभी। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन का ये करूँगी, तो 1 2, और यहाँ पर मैं 1 बॉक्स तैयार करूँगी। तो नीचे मैं 2 को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और 3 वाले से डबल क्रोशिया निकालना है। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊँ, थ्री टाइम। फर्स्ट में 2 बॉक्स और सेकेंड में आपको 3 बॉक्स तैयार करना है। अब ये जो बॉर्डर है मैं बताई थी आपको, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि
क्योंकि वहाँ पे मैं ज्वाइंट करना बताई थी, अब मैं आपको इसे कैसे करना है वो दिखाऊंगी। तो इस तरह से डबल क्रोसी के ऊपर से डबल क्रोसी निकालना है 4 टाइम आपको, वन वन डबल वन वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोसी, इस तरह से आपको बॉर्डर को तैयार करना है। ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे देखिए 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद अब मैं डायरेक्ट डबल क्रोसी निकालूँगी फिर से, सेम 4 डबल क्रोसी निकालना है आपको, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोसे, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोसे, इस तरह से आपको 4 टाइम कर लेना है। तो ये देखिए ये हो गया आपका, ये बॉर्डर है आपका तोरण का, और ये हैंग करने के लिए जो पाइप होता है उसके लिए ये बना रही हूँ मैं। इस तरह से आपको पाइप के अंदर से डालना है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से। तो ये मैं बनाना बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैं 9 चेन लूँगी फ्रेंड, इस तरह से 9 चेन ले लीजिए। और देखिए मैं आपको नंबर बता दे रही हूँ, अब विश्वास कीजिए मैं इतनी ही नंबर लेके बना भी रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, जितना बन पड़ता है मैं उतना अच्छा से बताने का कोशिश करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है आपको 6 टाइम, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, इसी तरह से आपको 6 टाइम रिपीट करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक होल जैसा दिख रहा है, मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, तो ये देखिए ये बॉर्डर पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस साइड जाने के लिए फिर से 3 चेन लूँगी, और ये आपका 3 रो चल रहा है। फिर मैं देखिए फर्स्ट वाला जो आपका लूप है वहाँ से नहीं निकालना है, इसे आपको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ से मैं चेन बनाई हूँ तो इसके बगल वाले चेन से आपको डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और चेन को काउंट करूंगी तो 6 कहलाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। अगर आप जो चेन निकाले हो उसी लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालोगे तो वो तिरछा जाएगा, ठीक है, इसलिए उसे आपको छोड़ देना है, उसके बगल वाले लूप से निकालना है, ये याद रखिएगा आप। एक मेरे व्यूवर्स कमेंट किए थे कि मैम मेरा तिरछा जा रहा है बॉर्डर, तो बहुत सारे फ्रेंड लोग का यही प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरह से करोगे तो आपको आपका वो बॉर्डर सीधा जाएगा, ठीक है। मैं उनका नाम भूल गई हूँ। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड इसे मैं जो ज्वाइंट की 5 चेन बना के फिर मैं 9 के बीच में इधर से 4 इधर से 4 बीच में जो आता है उसको मैं ज्वाइंट की, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से हुक को फंसाने के लिए मैं कर रही हूँ, सॉरी पाइप को फंसाने के लिए थोड़े बड़े बड़े ले रही हूँ फंदे, इस तरह से। अब ये तो वो तैयार हुआ उसके बॉर्डर, अब ये देखिए तोरण का बॉर्डर कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी और इधर से 2 और इधर से 2, और जो बीच का बचता है चेन तो मैं वहाँ से नीडल्स के हुक को इस तरह से फंसाऊँगी और इसे सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और यहाँ से वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, 4 टाइम यही रिपीट करूँगी। तो ये देखिए 3 रो का आपका बॉर्डर तैयार हो गया है। तो अब मैं फ्रेंड बॉर्डर को थोड़ा स्किप करूँगी। अब यहाँ पे देखिए 2 था, अब यहाँ पे 3, अब यहाँ पे मैं 4 बॉक्स बनाऊँगी, ठीक है, 4 लूप बनाना है आपको। तो 2 चेन लेना है, जब भी आप बॉक्स बनाओगे तो 2 चेन लेना है और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे लूप दिख रहा है, यहीं से मैं निकालती हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है आपको, तो इसी तरह से फ्रेंड देखिए मैं 4 बॉक्स कंप्लीट कर लूँगी। 3 रो में आपको 4 बॉक्स बनाना है इस तरह से, और ये देखिए थोड़ा तिरछा जाता है, आप लिप को देखोगे कि उसका डंठल थोड़ा तिरछा तरफ से जाएगी, तो
तो इस तरह से मैं इस लीफ के डेंटल को बना रही हूँ। तो फिर से देखिए मैं यहाँ पे उसे भी काउंट करूँगी और इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और ये डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे 4 आपका डबल क्रोशे तैयार हो गया। ठीक है, अब 2 चेन लेना है आपको और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे मैं 3 बॉक्स बना रही हूँ, 3 रो में 4 डबल क्रोशे के बाद 3 बॉक्स बनाना है आपको। 3 बॉक्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे 13 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो यहाँ पे आपको 13 डबल क्रोशे बनाना है और ये देखिए बीच वाले से मैं 2 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ क्योंकि 2 चेन ले रही हूँ, इस कारण मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और डबल क्रोशे के ऊपर से फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं 13 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी 3 रो में, 13 डबल क्रोशे बन जाने के बाद इस तरह से 13 डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए इस तरह से आप रख के काउंट भी कर सकते हो तो आपका 13 ही आएगा। आप इसे रोक के देख लीजिएगा, मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2 चेन लूँगी मैं और यहाँ पे 3 चेन को इस तरह से काउंट कर लूँगी और जहाँ 3 आ रहा है तो वहाँ पे मैं डबल क्रोशे निकालूँगी। ठीक है, इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब मैं उस साइड जाने के लिए यानी 4 रो में जाने के लिए फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी। तो 3 रो है, अब मैं 4 रो में जाऊंगी तो यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी और इस तरह से टर्न ले लूँगी और यहाँ जो लूप है पहला वाला लूप वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी और 3 चेन बनाऊंगी। ठीक है, फ्लावर यहाँ पे तैयार होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाई और ये जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे मैं नीडल्स के ऊपर इस तरह से फंसाते हुए निकालूँगी फंदे को और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मोती जैसा तैयार हो जाता है फ्लावर का जो ऊपर में होता है। फिर मैं यहाँ पे देखिए 1 चेन लेते हुए 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर 3 चेन करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर वहाँ पे देखिए मैं फिर से 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ, बीच बीच में मैं 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और सेम वही रिपीट करना है। ये फंदे के अंदर से आपको जहाँ पे जॉइंट किया हुआ है वहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे करना है और 1 चेन लेना है। फिर मैं उसी लूप के अंदर से फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से। लेकिन 3 आपको फ्लावर का पंखुड़ी को तैयार करना है इस तरह से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चेन है तो 1 चेन लेते हुए मैं यहाँ से एक लूप तैयार करूँगी इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है आपको और नीचे 2 को स्किप कर देना, छोड़ देना है और ये देखिए इसकी सीधाई में आपको 1 डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे दिखेगा, ये देखिए इस तरह से। ये कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं 13 डबल क्रोशे बनाऊँगी। ठीक है, ये बॉक्स तक मैं बनाते हुए आऊँगी और 13 डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये 13 डबल क्रोशे को मैं बनाते जा रही हूँ। मैं काउंट करके नहीं बता रही हूँ फ्रेंड, मैं इतना
लंबा वीडियो होता है कि मैं एक एक काउंट नहीं कर सकती, मैं ऐसे डायरेक्ट आपको बता दे रही हूँ कि 13 यहाँ पे बना है। आप रोक के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, आप काउंट करोगे तो 13 ही आएगा। ये देखिए फिर से मैं ये बॉक्स तक पहुँच गई, तो यहाँ से आपका यहाँ तक 13 कहलाएगा। और ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, उससे क्या आता है इसका शेप बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊँगी पहले। ये देखिए दूर ऊपर से थोड़ा दिखा रही हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए तिरछा जा रही है, तो जाहिर है कि मैं मुझे यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ मैं बॉक्स छोड़ूंगी और यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसके बाद से सेम बॉक्स बनाना है 3 टाइम। तो यहाँ देखिए मैं 1 बॉक्स बना रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ से मैं 1 बॉक्स बनाने के बाद फिर मैं 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ। और पहले मैं उसे ज्वाइंट करने के लिए जो निकाली थी उसे भी काउंट करूँगी और इस डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, यानी टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशे मैं बना ले रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड मैं बनाते जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए ये 4 डबल क्रोशे बनने के बाद अब जो लास्ट वाला है आपका 4, तो 4 को सेम वैसे ही बनाना है, 5 बॉक्स बनाना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स आपको 4 वाले रो में कंप्लीट करना है। और बॉर्डर जो मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाना है आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से लिप का थोड़ा सा पार्ट अब आपका बनने लगा है। तो ये देखिए 4 रो में मैं कैसे कर रही हूँ, पहले 13 बनाई, फिर 1 बॉक्स बनाई, फिर 4 डबल क्रोशे बनाई और इसके बाद 5 बॉक्स तैयार की, ठीक है। इसके बाद जो बॉर्डर मैं बनाती हूँ सेम बॉर्डर को वैसे ही बनाना है, तो इसे मैं स्किप कर दूँगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक आपको करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैं 1 2 3 4, तो 4 का पूरा कंप्लीट करके मैं फिर इधर साइड से 5 वाले रो में यहाँ तक बॉर्डर बनाते हुए पहुँच गई, ठीक है। तो ये पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह से बॉर्डर बनेगा, तो उसी तरह से आपको इसे बनाना है। ये देखिए पहले 4 चेन, फिर यहाँ पे 5 चेन, 4 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 9 चेन और यहाँ पे 6 डबल क्रोशे। अब इधर जब मैं 5 वाले रो में जाऊँगी तो यहाँ पे आपको बांध नोट लगाते हुए तो मैं बताई हूँ, तो ये आपको आइडिया हो गया है होगा। अब मैं यहाँ पे फिर से शुरू करूँगी। मेन आपका जो पार्ट है यहीं का, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ आपका बॉर्डर बन रहा है, ठीक है। तो जो आपको ध्यान देना है इधर साइड आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेने के बाद मैं डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे ही निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ तक निकालते हुए आपको बताऊँगी दिखाऊँगी सॉरी। तो 5 वाले रो में आपको 4 बॉक्स बनाना है। फोर चेन बना लेने के बाद ये देखिए लास्ट बचा हुआ है, अब मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 4 बॉक्स बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैं 10 डबल क्रोशे करूँगी, इस बॉक्स से इस बॉक्स तक आपको करना है। टोटल यहाँ पे इस बॉक्स से यहाँ तक आने में आपको 10 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। टेन डबल क्रोशे हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर बॉक्स बनाऊँगी। ये देखिए मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको,
तो ये देखिए इस बॉक्स से मैं इस बॉक्स तक जा रही हूँ, तो टोटल यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बन रहा है। अब मैं ये देखिए तिरछा जा रहा है, ये लीफ का जो बीच का जो पार्ट होता है वो, तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे बॉक्स तैयार करूँगी। तो यहाँ पे 2 को स्किप करके 3 वाले में मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। तो ये देखिए आपका एक बॉक्स तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ से पूरा वहाँ तक डबल क्रोशे बनाते हुए जाऊँगी, तो ये टोटल आपका 16 डबल क्रोशे कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको 16 डबल क्रोशे पूरा बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और यहाँ टोटल आपका 13 डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए ये जो लूप है यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे फिर निकालूँगी, और ये देखिए इसके सिधाई से मैं 1 डबल क्रोशे फिर निकालूँगी। तो यहाँ टोटल आपका 13 डबल क्रोशे बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये स्पीड जा रहा है इसलिए मैं ऐसे काउंट नहीं कर रही हूँ। तो ये टोटल आपका 13 डबल क्रोशे है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है आपको, और ये जो पहला वाला जो लूप है वहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लावर बनाने के लिए आपको एक लूप तैयार करना होता है। तो यहाँ देखिए मैं एक लूप तैयार कर चुकी हूँ फ्लावर के लिए। अब मैं 3 चेन लूँगी और इस साइड घूम जाऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपका ये 6 रो चल रहा है। और ये देखिए यहाँ से सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी मैं, उस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करना है और 3 चेन बनाना है, और जहाँ पे ज्वाइंट किए हैं वहाँ से आपको हुक में फंसाते हुए इसे सिंगल क्रोशे कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए फिर मैं सिंगल क्रोशे कर दी इस तरह से। ये देखिए बूटी जैसा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लावर दिखता है ये। फिर देखिए उसी लूप से मैं एक और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, टोटल यहाँ से मैं 4 निकाल रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ, और ये जो आपको सबसे फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे तैयार करूँगी इस तरह से। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी और नीचे मैं 2 को स्किप करूँगी और 3 वाले चेन से डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए ये फ्लावर आपका इस तरह से तैयार हो गई। तो देखिए फर्स्ट में भी मैं 4 निकाली थी, सेकंड में भी मैं 4 निकाली हूँ। ठीक है, और जैसे मैं नीचे में बनाई थी वैसे ही सेम ऊपर वाला आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए सेम मैं इसी तरह से बनाई हूँ। तो ये देखिए 6 रो चल रहा है ये। तो 6 रो में आप फ्लावर तरफ से इधर से आओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। ये तो बॉक्स आप बनाते हुए देख लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स सॉरी 10 डबल क्रोशे करना है। ठीक है, 10 डबल क्रोशे कर लेने के बाद ये देखिए यहाँ से ये देखिए सिंपल बॉक्स में जो मैं बना रही थी वैसे बनाई हूँ, जो आपका 4 रो में है उसी तरह से 6 रो में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 होगा आपका। अब यहाँ पे मैं बॉक्स छोड़ूंगी क्योंकि तिरछा जा रहा है, तो यहाँ पे पहले बॉक्स बनाऊंगी मैं। तो 2 को स्किप करके और 3 वाले में आपको डबल क्रोशे निकाल लेना है। इस तरह से ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे नई चेन लेना था। अब मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगी।
तो यहाँ पे आपका टोटल 13 होगा। यहाँ से आप यहाँ तक आओगे तो 13 डबल क्रोसी कहलाता है ये। तो यहाँ तक कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं 13 डबल क्रोसे बना चुकी हूँ। इस बॉक्स से आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो इस ऐसे भी करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो 6 रो में आपको 13 चेन बना लेना है। 13 चेन बनाने के बाद अब मैं डबल क्रोस सॉरी बॉक्स के ऊपर से बॉक्स बनाऊँगी। 4 टाइम यही रिपीट करूँगी मैं। इस तरह से देखिए, फिर मैं 2 चेन ले रही हूँ। मैं थोड़ा ऊपर से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये बॉक्स को मैं 4 बॉक्स बना के और सेम बॉर्डर को वही वैसे ही रिपीट करना है। और इधर साइड बना के मैं यहाँ तक आऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं तो सोची थी इधर साइड आ जाओ, लेकिन मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। टोटल आपका ये जो रो चल रहा है 6 रो, उसे मैं पूरा यहाँ तक करके ही दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं इधर साइड 3 चेन लेते हुए जाऊंगी। और ये कितना रो चल रहा है, नहीं तो इसका भी कमेंट आ जाएगा। तो मैं तो इस तरह से फ्रेंड बनाते हुए जाना है आपको। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर ली थी, अब मैं 7 रो में जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको 5 चेन बनाना है इसे नोट लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4 को मैं नीचे स्किप कर दे रही हूँ और 5 वाले चेन से मैं इस तरह से इसे नोट लगा रही हूँ और फिर 5 चेन ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे जैसे मैं बताई थी आपको। तो मैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही बॉर्डर बनाऊँगी। तो यहाँ तक मैं बना के और ये जो 4 बॉक्स तैयार हो रहा है, तो उस तरह से मैं 4 बॉक्स बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ 7 रो में। अब 7 रो में क्या करना है, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है आपको। ये बॉक्स तक यहाँ तक आपको करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका करते हुए आपका टोटल 16 डबल क्रोशे कहलाएगा। तो आप काउंट करके भी देख सकते हो 16 होगा वो। तो 16 डबल क्रोशे यहाँ पे आपको तैयार करना है ये बॉक्स तक आने में। ये देखिए बॉक्स के अंदर से भी मैं 2 निकालूंगी। अब ये डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे फिर निकालूंगी 1। तो यहाँ तक आपका टोटल 16 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। और ये 7 रो चल रहा है, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि 7 रो है। अब मैं यहाँ पे जो बॉक्स को यहाँ पे क्लियर पूरा ख़त्म कर ली, अब तिरछे के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स तैयार करूँगी। तो फिर 2 को आपको छोड़ देना है और 3 वाले से आपको डबल क्रोशे निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे फिर से 13 डबल क्रोशे तैयार करना है, ठीक है। तो 13 डबल क्रोशे इस तरह से बनाते हुए जाना है आपको। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 चेन डबल क्रोशे इस तरह से तैयार करना है। अब ये बॉक्स के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से सॉरी डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाली हूँ, फिर इस बॉक्स से भी 2 डबल क्रोशे निकाली। अब इसके ऊपर से फिर 1 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगे। तो टोटल को आप काउंट करोगे तो ये 13 कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसी तरह से यहाँ पे फ्लावर के लिए लूप तैयार करूँगी। तो 1 चेन लेना है आपको और ये जो फ्लावर का जो पहला वाला जो आपको लूप दिखाई देता है, यहाँ से 1 डबल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आपका एक
तैयार हो गया लूप इस तरह से। अब यहाँ पे मैं फोर चेन लूँगी, फोर चेन लेने के बाद मैं इधर साइड घूम जाऊँगी। अब चेन लेते हुए मैं इस साइड आ गई, ठीक है। और जो सेम फ्लावर मैं बना रही थी वैसे ही मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए थ्री चेन लेने के बाद मैं जहाँ पे ज्वाइन की थी वहाँ पे नीडल्स के हुक को फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर दी, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे की, फिर थ्री चेन। इस तरह से थ्री चेन ले लेना है आपको। ये थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाइए और फंदों के लेते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर बीच बीच में आपको वन चेन का स्पेस भी देते हुए जाना है, ठीक है। जितने भी आप फ्लावर के जो पंखुड़ी बना रहे हो तो बीच बीच में आपका वन चेन का स्पेस है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फोर टाइम मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से सेम थ्री तक आपका फ्लावर रिपीटेड होगा, उसके बाद में बताऊँगी फिर अलग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉक्स बनाना है वन चेन लेते हुए। अब यहाँ पे टू चेन में ले रही हूँ और टू बॉक्स को स्किप करके थ्री वाले में इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से इधर साइड आपको टू बॉक्स तैयार कर लेना है, एक में आपको स्पेस के लिए वन चेन लेना है और एक में आपको टू चेन लेना है। बस ये आपको ध्यान देना अच्छा से। तो ये एट रो आपका चल रहा है। तो एट रो में फ्रेंड यहाँ पे मैं एक को स्किप कर दी थी थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पे फोर डबल क्रोशे बनाए उधर साइड से, फिर वन बॉक्स बनाए, फिर 13 डबल क्रोशे बनाए। तो ये चीज़ मेरा थोड़ा सा ये जो यहाँ से यहाँ तक बनाई थी वो मेरा मैं डिलीट कर दी थी, तो मैं फिर से वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे जो आपका जो एट रो चल रहा है तो उधर साइड से आपको फोर डबल क्रोशे बनाना है, वन बॉक्स देना है और फिर 13 डबल क्रोशे बनाना है। 13 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर आपको वन बॉक्स बनाना है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल 16 डबल क्रोशे कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 16 डबल क्रोशे करने के बाद फिर आपको बॉक्स तैयार करना है टू चेन लेते हुए, और फिर यहाँ पे फोर डबल क्रोशे बनाना है। ये चीज़ को आप अच्छा से सुन के बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बीच में थोड़ा सा मेरा डिलीट हो गया था, क्योंकि छोटा छोटा मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसे ज्वाइंट करते करते मैं थोड़ा बहुत फ़ोन क्या होता है हैंग करने लगता है, तो मैं कैसे कैसे ये डिलीट हो गया। तो ये मैं इस लाइन का मैं बता दे रही हूँ। फिर आपको देखिए इस तरह से फोर बॉक्स, जैसे फोर बॉक्स बनाते हो उसी तरह से सेम फोर बॉक्स बनाना है और बॉर्डर को बनाना है सेम। तो मैं यहाँ से फिर रिपीट होके यहाँ तक आऊँगी, स्किप कर दूँगी मैं। तो ये देखिए ये टोटल आपका ये रो पूरा कंप्लीट हो गया है, एट रो। अब नाइन रो के लिए मैं फिर से थ्री चेन ले रही हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे बांध रही थी सेम वैसे ही रिपीट करूँगी। यहाँ तक मैं सेम करते हुए आऊँगी, यहाँ बॉक्स तक, फोर बॉक्स तक, ये फोर लूप तक मैं यहाँ पे इसी तरह से बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ नाइन वाले रो को। इस तरह से आपको भी कर लेना है फ्रेंड, क्योंकि मैं इसे स्किप कर दी हूँ कि पूरा डिटेल में नहीं पूरा दिखा सकती हूँ। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं एट को कंप्लीट करने के बाद फिर नाइन को मैं यहाँ तक कंप्लीट की। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे मैं निकालते जा रही हूँ। तो इस तरह से फोर डबल क्रोशे आपका निकलेगा वन चेन के अंदर से। अब यहाँ पे फिर से स्पेस के लिए बॉक्स बनाना है आपको, तो टू चेन लेना है और फिर से मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से मैं यहाँ इस बॉक्स तक निकालते हुए आऊँगी नाइन में। तो यहाँ पर भी आपका टोटल 16 कहलाएगा फ्रेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आपका टोटल इस बॉक्स तक आने में आपको टोटल 16 डबल क्रोशे बनाना है नाइन वाले रो में, ठीक है। तो मैं इसे भी काउंट करके आपको, मैं क्योंकि सामने में रख के इसे काउंट करके बताती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको 16 डबल क्रोशे
डबल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए बॉक्स के अंदर से 2 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है और यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरह देखिए फ्रेंड, ये लीप का इतना पार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे ये टोटल आपका 16 डबल क्रोशे है। अब यहाँ पे मैं देखिए तिरछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊँगी। इस तरह से 2 चेन लेते हुए बॉक्स बनाना है। नीचे में 2 को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और 3 वाले से डबल क्रोशे निकालिए। तो ये डबल क्रोशे को भी मैं काउंट करूँगी, क्योंकि इधर आपको फिर बनाना है आपको 10 डबल क्रोशे। यहाँ से यहाँ तक आपको 10 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरह से मैं 10 डबल क्रोशे कर लूँगी 9 वाले रो में। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा फाइनल आपका 10 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जैसे देखिए ये तीनों फ्लावर में मैं उस लूप के अंदर से निकाली थी 4 टाइम। अब यहाँ पे मैं 1 निकाली थी, उस यानी कि फ्लावर को बनाने के लिए लूप बना रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं 2 टाइम करूँगी। 1 चेन लीजिए, फिर उस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन लीजिए, फिर उस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 2 टाइम आपका ये तैयार करूँगी। अब इधर साइड में आ जाऊँगी, ये आपका 10 रो चल रहा है, 10 रो इस साइड में मैं करूँगी। तो यहाँ पे 2 जो लूप में बनाई थी, तो यहाँ से मैं देखिए 3 चेन पहले बनाऊँगी और 10 वाले रो में चली जाऊँगी। ये देखिए, तो यहाँ से मैं 1 1 निकाल रही थी, यहाँ पे मैं 2 निकाल रही हूँ उस लूप के अंदर से। देखिए इस तरह से दिखा दे रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए 4 4 निकाल रही थी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैं यहाँ से ये देखिए लूप जो तैयार की हूँ मैं, तो यहाँ से 1 डबल क्रोशे करूँगी और जहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ वहाँ से मैं फिर 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद जहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है वहाँ से नीडल्स के ऊपर को फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है और 1 चेन का स्पेस देना है। सेम वही चीज़ रिपीट होगा फ्रेंड। फिर इस तरह से आप फ्लावर की क्या उसको बोलूँगी मैं, बूटी बोलती हूँ मैं, उसे बना लीजिए आप, गोटी जैसी दिखती है थोड़ी सी। और फिर मैं इस तरह से करते हुए मैं 3 टाइम इस तरह से करूँगी, फिर 1 चेन का स्पेस दूँगी और यहाँ देखिए इसकी सिधाई से मैं 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से। फिर 1 चेन लूँगी और फिर 1 को स्किप करके 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। यहाँ पे मैंने देखिए 2 चेन का गैप नहीं करी हूँ नीचे में, 1 चेन से ही मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँ। 1 इधर 2 चेन ली और 1 नीचे में स्किप की, ये देखिए इस तरह से। लेकिन ये रॉन्ग बन रहा है शायद, सही है? नहीं नहीं सही है ये। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी 10 वाले रो में। इस तरह से 1 लूप से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 3 टाइम करूँगी। और जो पहले मैं बनाई थी बॉक्स के किनारे, तो उसे काउंट करने से ये 4 कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ 10 10 रो में। अब यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊँगी, ये देखिए तिरछा ऐसे देखने से पता चल जा रहा है आपको। तो यहाँ पर 2 चेन लूँगी और यहाँ से 2 को स्किप करके तीसरे वाले से डबल क्रोशे निकालूँगी। ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा ये बॉक्स बना चुकी हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक मैं फिर से काउंट करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये बॉक्स मैं यहाँ पे तैयार कर ली हूँ
अब यहाँ पे देखिए जो लूप है, तो वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, तो जहाँ पे मैं ज्वाइंट की तो वहाँ से भी एक डबल क्रोशे निकला, ये बार बार बता रही हूँ। तो ऐसे काउंट करने से आपका 4 कहलाता है। तो फिर मैं और बनाते जाऊँगी, क्योंकि 1 बॉक्स के बाद आपको 16 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 16 टाइम डबल क्रोशे करते जाऊँगी ये 10 वाले रो में। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपका 16 डबल क्रोशे कहलाता है, हो जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 7 बॉक्स बनाऊँगी, तो यहाँ पे आपको 7 बॉक्स बना लेना है यहाँ से यहाँ तक टोटल। तो मैं कुछ बना के आपको दिखा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं पहले ही बता दी थी कि आपको यहाँ पे 7 बॉक्स बनाना है 16 डबल क्रोशे करने के बाद 10 वाले रो में। तो मैं 2 बॉक्स बना ली, अब 3 बॉक्स बनाऊंगी। 2 चेन करना है और 1 डबल क्रोशे करना है 3 वाले नंबर से, नीचे में 2 को स्किप करना है। तो इस तरह से बोर्ड, इस तरह से मैं बॉक्स यहाँ तक बना दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ से आपका यहाँ तक 7 कहलाता है। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाऊंगी जैसे बनाती हूँ हमेशा। तो 16 डबल क्रोशे के बाद 7 बॉक्स बनाना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 कहलाता है ये, और ये आपका 16 डबल क्रोशे। यहाँ पे 1 बॉक्स, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर 1 बॉक्स। अब यहाँ तक आपको ये मैं बॉर्डर फिर से बना के फिर यहाँ तक करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो 10 रो को मैं यहाँ तक करके दिखाऊंगी। ये देखिए, 10 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। इस तरह से आपको करना है, 4 डबल क्रोशे करना है, फिर 5 चेन बनाना है। और ये देखिए, यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ मैं, और इस साइड में मैं टर्न ले रही हूँ। फिर देखिए, मैं बार बार दिखा रही हूँ कि उसमें से नहीं निकालिए क्या आप, उसके बगल वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी 11 वाले रो को। ये आपका 11 रो चल रहा है फ्रेंड, तो यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि सेम वही चीज़ को रिपीट करना है, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दूंगी। तो यहाँ तक देखिए, मैं पूरा यहाँ तक कर चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 ही लूप तैयार हो रहा है आपका। अब यहाँ इसके बाद मैं देखिए क्या क्या करूँगी। तो पहले आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह से बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है 7 बॉक्स। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करूँगी, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये देखिए, 4 डबल क्रोशे बन गया है ये 11 वाले रो में। फिर यहाँ पे 1 बॉक्स बनाना है आपको, और यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशे करना है। ये देखिए, तिरछा जाएगा ये। तो इस तरह से फ्रेंड, डबल क्रोशे करते हुए जाना है, 13 डबल क्रोशे इधर निकालना है आपको। फिर यहाँ से भी आपको निकाल लेना है।
तो ये देखिए यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आपको यहाँ से आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, ये दोनों के बीच में। तो टू को स्किप करके तीसरे वाले से मैं निकाल रही हूँ, थ्री से ये देखिए तिरछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लूप ही बचा हुआ है, ठीक है। तो इस लूप से मैं टू टाइम डबल क्रोशी निकालूंगी, और जो यहाँ पे इसकी सिधाई वाला है यहाँ से मैं वन डबल क्रोश निकालूंगी, फिर यहाँ से टू टाइम डबल क्रोश निकालूंगी जो ये लूप बनाया हुआ था पहले से, फिर इसके ऊपर से वन डबल क्रोश है, इस तरह से रिपीट करूँगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेवन बॉक्स, सॉरी सेवन डबल क्रोशे बनता है। तो फोर बॉक्स बनाना है, फिर फोर डबल क्रोशे, फिर वन बॉक्स, फिर आपको यहाँ पे 13 डबल क्रोशे बनाना है, फिर आपको वन बॉक्स बनाना है, फिर उसके बाद आपको सेवन डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये आपका 11 रो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं वन चेन ले रही हूँ और यहाँ से वन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं टू टाइम निकाल रही हूँ, ये देखिए वन हुआ, फिर यहाँ पे वन चेन का स्पेस देते हुए मैं दूसरी बार डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। जैसे मैं थ्री फ्लावर जब बनाई थी तो मैं वन ही लूप तैयार कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं टू टू लूप तैयार कर रही हूँ, फोर से फाइव और नाइन, फाइव और सिक्स में, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए थ्री चेन लेना है आपको इस साइड आने के लिए। ये 12 रो चल रहा है, तो ये 12 रो चल रहा है, ये बता दे रही हूँ मैं आपको। फिर 12 में आपको क्या करना है, यहाँ बॉक्स बनाना है, सेम वही फ्लावर बनाइए आप, वन डबल क्रोशे, थ्री चेन, फिर जहाँ जॉइंट है वहाँ से निडल्स के हुक को फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर यहाँ पे वन चेन का स्पेस, फिर यहाँ से वन डबल क्रोशे, फिर थ्री चेन, फिर इस तरह से फंसाते हुए मोती तैयार कर लेना है, फिर वन चेन का स्पेस। वन चेन का स्पेस लेने के बाद तो ये देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये बॉक्स तैयार कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं रॉन्ग कर रही हूँ, ऐसे नहीं बनेगा ये। ये रॉन्ग बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स आपको तैयार करना था, लेकिन यहाँ पे बॉक्स तैयार नहीं हुआ है, तो मैं इसे निकाल ही दूंगी। ये गलत ही है, ये आपका 12 रो में थोड़ा गलत कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं बता रही हूँ आपको। और फ्रेंड रात को मैं कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा नींद भी आ जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से निकाल दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये रॉन्ग में बता रही रॉन्ग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको पहले इस तरह से देखिए टू चेन लेना है और नीचे में वन को छोड़ के आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकाल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू को स्किप करूँ कर सॉरी वन डबल क्रोशे करूँगी मैं फोर टाइम, फोर टाइम डबल क्रोशे करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बॉक्स दूंगी क्योंकि ये तिरछा जा रहा है ये बॉक्स। तो टू को स्किप कर दीजिए और उसके ऊपर से वन डबल क्रोशे निकाल लीजिए, और यहाँ पे मैं टोटल 10 डबल क्रोशे बनाऊंगी ये बॉक्स पर तैयार करने के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 रो कहलाए 10 डबल क्रोशे कहलाएगा, सॉरी। फिर वन बॉक्स
अभी टेरो डबल क्रो से ही बना रही थी मैं, टेबल डबल क्रो से कर रही थी। आइए 12 रो चल रहा है फ्रेंड, मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे देखिए मैं वन बॉक्स बनाई और 4 डबल क्रोशे करूँगी 12 वाले रो में, आपका ऐसे ही बनेगा। तो ये देखिए वन बॉक्स बनाई मैं और यहाँ पे 4 डबल क्रोशे की, फिर यहाँ पे वन बॉक्स बनाऊँगी और यहाँ पे इसके ऊपर से फिर 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह से 12 रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए बॉक्स बनाने के बाद मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे कर रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से कंप्लीट की। पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है 2, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर 1 बॉक्स, फिर यहाँ पे 10 डबल क्रोशे, फिर 4, फिर बॉक्स। तो इस तरह से यहाँ तक करने के बाद फिर मैं सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बॉक्स को तैयार करना है आपको 12 रो में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स तैयार करना है, सेम वही रिपीट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं इसे स्किप कर दी थी पूरा, यहाँ से यहाँ तक मैं बोली थी कि कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो 12 रो आपका यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। अब ये 13 रो का मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से पहले आपको चेन लेना है और इस साइड आ जाना है आपको। तो ये देखिए मैं करके दिखा दे रही हूँ आपको, इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगी। फिर यहाँ पे देखिए 5 चेन लेना है आपको और यहाँ से 4 इधर स्किप कीजिए और इधर, ये मुझे आइडिया हो गया तो मैं डायरेक्ट इसे बीच में ऐसे कर दी। आप भी बनाओगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह से पूरा बॉर्डर को मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगी। थर्टीन रो में तो ये देखिए बॉर्डर आपको सेम वैसे ही बनाना है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मैं बॉक्स बना रही हूँ तो मैं यहाँ तक बनाऊँगी बॉक्स। यहाँ पे आपका 9 बॉक्स तैयार होगा, 9 बॉक्स बनाना है 13 रो में आपको। तो ये देखिए 2 चेन बना रही हूँ, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 9 बॉक्स तैयार होता है फ्रेंड, यहाँ तक मैं करूँगी। ये जो 4 डबल क्रोशे की हूँ तो वहाँ से तक वहाँ तक मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं बॉक्स तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 बॉक्स तैयार होता है, ठीक है। 9 बॉक्स तैयार होने के बाद अब डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी मैं 4 टाइम, यहाँ 4 डबल क्रोशे आपको करना है। इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करना है 4 टाइम। फिर ये करने के बाद फिर आपको 2 चेन लेते हुए बॉक्स तैयार करना है। यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद मैं देखिए फिर बॉक्स वहीं से वहीं निकाल रही हूँ मैं, सॉरी वहाँ से डबल क्रोशे निकालते हुए बॉक्स तैयार कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपको 4 डबल क्रोशे फिर से बनाना है बॉक्स को बनाने के बाद। फोर डबल क्रोशे कर लेने के बाद अब मैं फिर
एक टैब, फिर मैं एक और बॉक्स बनाऊंगी यहाँ पे, वन बॉक्स। तो बॉक्स तो आपको पता है, टू चेन लेना है, नीचे में टू को स्किप करना है। अब यहाँ तक देखिए मैं कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको टोटल 7 डबल क्रोशे करना है। फिर मैं देखिए ये जो बॉक्स है वहाँ से निकालूंगी डबल क्रोशे, तो इसे काउंट करोगे तो 7 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से बॉक्स बनाऊंगी, टू चेन लूंगी और नीचे में टू को स्किप करके 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए बॉक्स तैयार हो गया, ये पूरा तिरछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं ये जो लूप है यहाँ से मैं निकालूंगी, तो यहाँ पे 4 आपको निकालना है डबल क्रोशे, ये लूप के अंदर से 2 और बगल बगल से आपको 1 1 लेना है, टोटल 4 हो जाएगा। अब यहाँ फ्लावर के लिए आपको 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशे लेना है, फिर 1 चेन लेना है, फिर 1 डबल क्रोशे लेना है, यानी 2 टाइम आपको डबल क्रोशे लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड पूरा लिप तैयार हो गया है। अब मैं एक और बनाऊंगी तो इससे पूरा फाइनल आपको पता चलेगा कि लिप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये 12 रो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली, अब 13 रो में जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से पहले 3 चेन लेना है आपको और इस साइड घूम जाना है। इधर साइड आ जाने के बाद सेम जैसे फ्लावर बनाती हूँ मैं, उसी तरह से डबल क्रोशे निकालना है फर्स्ट वाले लूप से और 3 चेन लेना है, और जहाँ पे ज्वाइंट किए हैं वहाँ से मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को निकालते हुए नीडल्स के फंदे को हुक से और डबल क्रोश सिंगल क्रोशे कर देना है। सेम उसी तरह से 2 टाइम और रिपीट करना है आपको, और बीच में स्पेस के लिए 1 चेन, ये बता देती हूँ मैं, इस बीच बीच में आपको 1 चेन लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है, स्लिप स्टिच करते हुए भी कर सकते हो, सिंगल क्रोशे करते हुए भी ये फ्लावर को तैयार कर सकते हो। ये देखिए 3 टाइम हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 1 चेन लेते हुए ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे निकालूँगी, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाते हुए मैं इसे ऐसे करूँगी, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये भी शायद रॉन्ग ही है मेरा, क्योंकि यहाँ पे 4 डबल क्रोशे में मुझे करना चाहिए था, क्योंकि ये लूप आपका तिरछा जाना था तो ये जा नहीं रहा है, तो मैं इसे खोल दूंगी। इस तरह से आपको फ्लावर तक आना है, और यहाँ से मैं देखिए जैसे 3 निकाली थी फिर 1 चेन लूँगी मैं, और ये लूप से मैं निकालूँगी, अच्छा डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूँगी इस तरह से। फिर 4 डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 चेन लेना है, नहीं इस तरह से लूप नहीं तैयार होगा, बीच में आपको एक बूटी बनाना होगा, वही जो छोटा छोटा जो मैं बना रही हूँ दाने जैसा, तो 3 चेन पहले ले लेना है। तो ये भी थोड़ा रॉन्ग है फ्रेंड, इसे आप मत कीजिएगा, इसके बाद वाला जो दिखेगा उसको करना है। तो मैं फिर से खोल दूंगी इसे, क्योंकि ये रॉन्ग ही बन रहा है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर से बॉक्स तैयार नहीं होगा। तो मैं इसे खोल दूंगी, कभी क्या क्या होता है मैं भी बनाते बनाते भूल जाती हूँ कि कैसे बनाना है इसे, तो इस तरह से मिस्टेक छोटा मोटा होता है,
प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा आप। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ तक खोल के अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से, मैं बता रही हूँ सही है, थ्री चेन बनाने के बाद इस तरह से आपको जो ऊपर का जॉइंट, नीचे का जॉइंट होता है, वहाँ से सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर वन चेन लेना है और टू को नीचे में स्किप करके और थर्ड वाले से डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से टू टाइम फिर डबल क्रोशे निकालूँगी और यहाँ पे फोर्थ डबल क्रोशे बनाई, फिर मैं थ्री चेन लूँगी और ये दोनों के बीच से इस तरह से निकालूँगी उनको और सिंगल क्रोशे कर दूँगी और वन चेन लूँगी स्पेस के लिए। फिर मैं फोर्थ चेन बनाऊँगी फोर डबल क्रोशे करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे टू चेन लेना है और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे फिर बनाना है, सॉरी फोर डबल क्रोशे के ऊपर से फोर डबल क्रोशे बनाना है वन वन करके। ये आपका 14 रो चल रहा है फ्रेंड, मैं बता दे रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे टू चेन बनाना है, ये देखिए इस तरह से ये दाने जैसा दिखिएगा और ये फोर डबल क्रोशे के ऊपर से फोर डबल क्रोशे इस तरह से करना है आपको। तो ये देखिए लिप तैयार हो रहा है, तैयार क्या, तैयार हो चुका है ये, इसी तरह से ये बनेगा। फिर मैं यहाँ पे टू चेन ले रही हूँ और फिर फोर डबल क्रोशे बनाऊँगी। ऊपर वाले में आपको फाइव टाइम फोर डबल क्रोशे करना है और बीच बीच में आपको वन वन बॉक्स डालना है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो 13 रो को। और यहाँ पे जो बॉक्स इधर जो बनेगा तो यहाँ पे फिर आपको वही 9 बॉक्स बनाना है, 9 बॉक्स यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बॉक्स के ऊपर से मैं बॉक्स तैयार करते हुए जा रही हूँ और टोटल बॉक्स आपका 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पूरा बनाना है आपको इस तरह से 13 रो में। ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये बॉर्डर जो मैं बना रही थी सेम वैसे ही बॉर्डर बनाना है आपको। ये देखिए फाइव चेन बनाना है आपको और यहाँ पे जॉइंट करना है, फिर फोर डबल क्रोशे बनाना है। फिर 9 चेन बनाना है और फिर उधर साइड जॉइंट करने के लिए फिर डबल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है और 6 डबल क्रोशे कर लेना है। इस तरह से पूरा आपका 14 रो कंप्लीट हो गया। और 2 रो में और एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भी आप बनाओगे तो 2 रो एक्स्ट्रा बना के ही आपको छोड़ना है। तो ये देखिए लिप पूरा, ये आपका ये पूरा तैयार हो चुका है, ये मैं आपको ऐसे दिखा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा लिप आपका तैयार हो गया है, इसी तरह से ये बनेगी। तो यहाँ पे मैं कट कर दूँगी, क्योंकि मैं अगर आप एक ही कलर से करोगे तो बनाते हुए जाना है। तो मैं यहाँ पर मेरे ऊन थोड़ा कम था तो मैं यहाँ पर कट कर दूँगी और दूसरे कलर के ऊन का यूज करूँगी। इस तरह से नीडल्स में फंसाते हुए आपको जो लूप है उसके अंदर से फंसाते हुए आपको अंदर कर लेना है सारे उनको, तो ये नहीं निकलेगा आपको। मैं बार बार दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से आपको करना है। ये देखिए नहीं पता चल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है,
ये देखिए दूर से दिखाती हूँ, पूरा लीफ पता चल रहा है कि लीफ बना हुआ है ये। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर ग्रीन का यूज कर रही हूँ। तो ये दो दो रो है यहाँ पे, टू रो, ये टू रो मैं वहाँ पे बना के आपको बताऊँगी। तो इसी तरह से आपको जितना साइज बड़ा करना है उतना आप बनाते हुए जाओगे। तो ये जितना लंबा करना है फ्रेंड उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टू कलर का यूज कर रही हूँ। फोर्टीन आपका रो पूरा कंप्लीट कहलाता है, लेकिन टू जब भी आप लास्ट में बनाओगे, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ, जब आप ये जब बॉर्डर बनाओगे तो शुरू से आपका इधर भी जाली वाला टू निकलता है, उधर साइड भी आपको जाली वाला टू रो बनाना है लास्ट में भी। तो इस तरह से देखिए, ये मैं बॉर्डर जैसे बना रही थी उसी तरह से बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं पूरा नहीं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड। मुझे भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मैं लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ अच्छा से। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है, फोर चेन या फाइव चेन लेके इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये देखिए थोड़ा ये पतला ऊन लग रहा था मुझे, तो मैं यहाँ पे फाइव नंबर के निडल से बना रही हूँ। ऊन के हिसाब से निडल्स को आप चेंज कर लीजिएगा। इस तरह से बॉर्डर को आप बनाते जाइए। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये मैं कर चुकी हूँ, सेम वही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो ये वाला मैं बनाऊँगी, तो टू बॉक्स बनाना है आपको इधर, सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी मैं। तो ये थोड़ा तिरछा जाएगा तो इस कारण मैं यहाँ पे इस तरह से बनाऊंगी लीफ का जो बनता है आगे का। तो ये देखिए मैं बॉक्स बना रही हूँ, टू चेन ले रही हूँ, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर टू चेन ले रही हूँ। इस तरह से मैं टू टाइम इस तरह से बनाऊंगी और टू बॉक्स तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स तैयार हो चुका है फ्रेंड। अब मैं इस लूप के अंदर से टू डबल क्रोशे बनाऊँगी और ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो इस तरह से देखिए फोर डबल क्रोशे तैयार हो गया यहाँ पे, जो मैं फोर डबल क्रोशे बनाई हूँ उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। और यहाँ से यहाँ तक मैं टेन बॉक्स बनाऊंगी, ठीक है। जैसे नीचे मैं टेन बॉक्स बनाई थी वैसे ही सेम उसको भी रिपीट करना है, क्योंकि जब भी आप शुरू करोगे तो इसी तरह से आपको लिप को तैयार करना है फर्स्ट में। तो मैं टेन लूप तैयार करके या टेन बॉक्स तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड आपको जितना लंबा साइज करना है उसके हिसाब से आपको बना लेना है। आप गेट के हिसाब से अपने गेट के हिसाब से जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप लीफ तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको हमेशा इस तरह से टू लाइन एक्स्ट्रा बना के छोड़ देना है, जो मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह से आपको रिपीट करना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसे मैं नीचे में बनाई थी सेम वैसे मैं वहाँ पे भी बनाई हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट करोगे तो आपका टेन होता है। मैं यहाँ से भी काउंट करके दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ से भी काउंट करोगे तो आपका टेन कहलाएगा, ठीक है।
और एक और रो में दिखा देती हूँ आपको बना के। ये आपका 15 रो चल रहा हो, कंप्लीट हो गया, अब 16 रो चलेगा। तो ये जो मैं यहाँ पे बनाई थी नीचे में, वही वाला मैं रिपीट करूँगी। तो यहाँ पे आपको 5 चेन ले लेना है। 5 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे लेना है। इसी तरह से मैं बॉक्स यहाँ तक बना के दिखाऊंगी, क्योंकि आपका जो 16 रो होगा उसमें आपको ये जो देखिए इधर से जो फर्स्ट सेकंड रो है तो यहाँ तक मैं लाऊंगी, तो यहाँ 9 बॉक्स बनेगा, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर 3 बॉक्स, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी। 2 चेन ले रही हूँ, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 9 टाइम बॉक्स बनाऊंगी, ठीक है। 9 बॉक्स आपको इसमें बनाना है। ये देखिए 8 कंप्लीट हो गया, अब मैं 9 को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये 9 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से काउंट करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं 8 ही बनाई थी, मैं फिर से 9 को पूरा कर रही हूँ। तो ये देखिए नीचे का जो सेकंड रो दिख रहा है सेम वही को रिपीट कर रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे देखिए इधर मैं बनाई थी 4, अब यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे करूँगी, तो उसे भी काउंट करना है आपको। और ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, तो यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा ये इस तरह से। अब इसके बाद मैं 3 बॉक्स बनाऊंगी। 2 चेन लेना है और फिर यहाँ पे 2 को स्किप करके 3 वाले से आपको निकालना है डबल क्रोशे। तो एक बॉक्स तैयार हो गया, फिर 2 चेन लेना है और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे करना है, फिर 2 बॉक्स आपका तैयार हो गया। इसी तरह से 3 बॉक्स को भी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से कुछ दिखेगा, ये सेम बन रहा है उसी तरह से, और जितना लंबा करना है फिर आपको इस तरह से आपको बनाते हुए जाना है। और ये देखिए ये बॉर्डर है जो बॉर्डर में बना रही थी, तो सेम उसी तरह से ये बॉर्डर को बनाना है। तो ये देखिए बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये बॉर्डर मैं नहीं दिखाई क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि कैसे मैं तैयार कर रही हूँ। अब इधर साइड जाने के लिए फिर से आपको 3 चेन लेना है और इस तरह से पूरा फाइनल हो गया है फ्रेंड। और जितना लंबा आपका गेट है उसके हिसाब से आप उतना लीप, उतना पत्ता आप बनाते जाइए या लीप को तैयार करते जाइए, ठीक है। तो लास्ट में लेकिन आपको ये 2 लाइन हमेशा बना के छोड़ना है। जैसे आप शुरू में बना हुआ है उसी तरह से एंड भी आपको उसी तरह से करना है। ये देखिए इधर साइड में मेरा ऊन घट गया था तो मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज कर की हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से देखिए मैं लास्ट में 2 लाइन बनाई हूँ, जैसे यहाँ पे बनाई हूँ तो यहाँ पे मैं 2 लाइन को फिर से उसी तरह से रिपीट की हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो मेरा टोटल मेरे गेट के हिसाब से ये 5 लीप तैयार हो रहा है। और आपके गेट के हिसाब से कितना हो रहा है वो आपके अपने गेट के हिसाब से आप बनाइएगा। और ये देखिए लास्ट में मेरा ये बस इतना थोड़ा सा ही ऊन बचा हुआ है, मुझे इसमें टोटल 400 ग्राम ऊन लग जाएगा। तो ये देखिए ये ऊन थोड़ा बचा हुआ है और यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन ऊन है, लाइट ग्रीन, ये मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज की हूँ। तो ये बता देती हूँ मैं, आप 400 ग्राम ऊन लेके ही बैठिएगा तभी आपका पूरा कंप्लीट होगा। अब मैं टेप की सहायता से इसे नाप के दिखा देती हूँ। तो ये वैसे तो मैं अपने गेट के हिसाब से बनाई हूँ, तो आप अपने गेट के हिसाब से बनाइएगा। तो मैं इसे भी दिखा देती हूँ आपको थोड़ा नाप के। तो इस तरह से देखिए इंच के हिसाब से मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। तो यहाँ इंच के हिसाब से मैं कर रही हूँ तो ये 41 आ रहा है फ्रेंड, लेकिन जब मैं सेंटीमीटर के हिसाब से नापूंगी तो ये देखिए सेंटीमीटर है। तो जब देख रही थी मैं तो यहाँ पे देखिए कि सेंटीमीटर के ऊपर भी आपका इंच लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ये राइट वाला है, वो पता नहीं क्या है। तो मैं इसे भी दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब मैं नापी तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल आ रहा है 107 और उसके ऊपर आ रहा है आपका 42 इंच।
और उधर साइड से मैं कर रही हूँ तो ये 41 आ रहा है, तो मुझे लगा शायद यही इंच होगा और ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये दिखा देती हूँ मैं सामने से, 107 और यहाँ पे 42 आपका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे नाप रही थी तो 2 उंगली का ये डिफरेंट हो रहा था ये, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये सही होगा। ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी कारण मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 107 के ऊपर 42 है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप भी तैयार कर लीजिएगा बॉर्डर को। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी कि इसकी साइज क्या है। और ये देखिए इस तरह से मैं लटकन बनाऊंगी, तो इसके लिए आपको इस तरह से मोती ले लेना है। ये देखिए इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, ले सकते हो आप, बहुत अच्छा से मिल जाता है ये। और ये इसका होल देखिए बहुत बड़ा साइज का है, इस तरह से आपको लेना है कि नीडल्स इसके अंदर आ सके। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं पहले ही इस तरह से बना ली हूँ। ये देखिए फर्स्ट में आपको 4 मोती लगेगा और यहाँ पे मैं 15 चेन ले रही हूँ। 15 चेन लेने के बाद मैं मोती लगा रही हूँ, फिर 15 चेन ले रही हूँ, फिर मोती लगा रही हूँ। तो फर्स्ट वाले जो मैं यहाँ पे मेरा 5 लिप बना हुआ है, तो फर्स्ट वाले में मैं 4 मोती लगा रही हूँ, सेकेंड वाले में मैं 3 मोती लगा रही हूँ, और जो सबसे बीच वाला है वहाँ पे मैं 2 मोती लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी क्वांटिटी को कम करते जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो देखिए सारे फ्लावर से मैं इस तरह से लटकन को बनाते जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए 15 चेन बनाई, फिर मोती लगाई, फिर 15 चेन बनाई, फिर मोती लगाई, फिर 15 चेन, फिर मोती। इस तरह से मैं 4 टाइम यही रिपीट कर रही हूँ। आपको लास्ट वाले में 4 मोती लगाना है और ये लास्ट में आपको 15 चेन बनाते हुए यहाँ पे जो मैं लटकन तैयार कर रही हूँ इसके लिए आपको 23 चेन लेना है। तो इधर साइड भी मैं इसी तरह से करूँगी और इसमें भी ये बीच का है तो बीच में मैं इसी तरह से क्वांटिटी को खाली बस मोती का आपको कम करना है और सेम रिपीट होगा जैसे आप बना रहे हो उसी तरह से एक वाले रो में पूरा वही रिपीट होगा। ठीक है, तो ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऊन ख़त्म हो चुका था तो मैं यहाँ डार्क ऊन का भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो ये 50 ग्राम ऊन लेके मैं बैठी हूँ इसे भी, और यहाँ मेरे पास ग्रीन कलर का ऊन 50 ग्राम था पहले से, तो मैं उसके साथ फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कैसे इसे करना है वो दिखा देती हूँ मैं। तो ये जो सबसे पहला वाला है वहाँ पर आपको ज्वाइंट करना है। देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट की हूँ दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ ये तीनों सब फ्लावर के नीचे मैं जॉइंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही जॉइंट करना है आपको। तो यहाँ से मैं लटकन को तैयार करूँगी, इस तरह से नोट लगा लेना है पहले, फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी इस ऊन को इधर लाऊंगी और फिर 1 चेन लूंगी, फिर इस उनको इधर सेट करूंगी और 1 चेन लूंगी, फिर वही चीज़ को मैं रिपीट करते हुए जाऊंगी। तो इससे क्या होगा, उन आपका बहुत अच्छा से सिक्योर हो जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल को काउंट करते हुए मैं 15 चेन बनाऊंगी। अब ये टोटल 15 चेन बन चुका है। अब यहाँ पे किस तरह से मोती को लगाना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले क्या करना है, उनको खींच लीजिए और नीडल्स क्रोचेट नीडल्स को इस तरह से मोती को फंसाते हुए आपको इसे 1 चेन कर देना है। तो ये मैं स्किप कर दी थी, मैं लास्ट वाला आपको दिखा देती हूँ। तो
तो इस तरह से 15 चेन बना लीजिए और नीडल्स को पकड़ लीजिए और इस तरह से इसे खींचते हुए ऊन को निकालते हुए 1 चेन लेना है। इस तरह से ही मैं मोती को लगाई हूँ, तो और 1 मोती लगाऊंगी मैं, फिर 50 चेन लेना है। मोती के बीच में आपको 15 चेन का गैप करना है, स्पेस देना है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, फिर मैं मोती लूँगी, इस तरह से नीडल्स हुक में फंसा लेना है और इसे खींचते हुए 1 चेन लेना है। सेम इसी तरह से रिपीट होगा ये। तो यहाँ पे 4, देखिए 4 मोती ली मैं, 4 मोती करने के बाद अब यहाँ पे 15 चेन आपको लेना है। ये देखिए इस तरह से 15 चेन हो जाने के बाद, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 चेन हो गया। अब यहाँ पे लटकन के लिए आपको 23 चेन बनाना है एक्स्ट्रा, 15 के बाद आपको 23 चेन फिर से बनाना है। तेईस चेन बना लेने के बाद 15 के बाद 23 एक्स्ट्रा बनाना है लटकन के लिए, तो टोटल आपका 38 हो जाएगा पूरा काउंट करोगे यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन को स्किप कर देना है और 4th वाले में इस तरह से आपको डबल क्रोशे निकालना है, फिर उसी चेन के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है। तो इधर जो आपको चेन को काउंट करोगे तो ये 3 हो जाता है, फिर बगल वाले से 2 डबल क्रोशे निकालना है, 1 2, इसी तरह से सारे चेन के अंदर से 2 2 डबल क्रोशे निकालना है। और जो लास्ट का एक बच जाएगा उसमें से आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस लूप के अंदर से भी 2 डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से भी 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से मैं पूरे सारे चेन के अंदर से और जहाँ 15 होगा वहाँ तक आपको छोड़ देना है। तो ये देखिए 15 काउंट कर लेती हूँ मैं और यहाँ से यहाँ तक 2 डबल क्रोशे 1 चेन से निकालते जाऊँगी और जो लास्ट का बचेगा वहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक हो चुका है। ये सामने से दिखा देती हूँ मैं आपको, तो ये देखिए सारी चेन के अंदर से 2 2 डबल क्रोशे निकाली हूँ और यहाँ से मैं देखूँगी कि कितना 15 कहाँ तक आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फास्ट हो रहा है। टोटल आपका 15 काउंट करना है। 15 हो जाने के बाद उसे आप इस तरह से अंगूठे में पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे कैसे करना है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो आप आगे से ये देखिए 3 चेन बनाऊँगी 1 लूप के अंदर से, लास्ट वाले में, फर्स्ट में और लास्ट में आपको 3 बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन चुका है। अब क्या करूँगी मैं, उनको खींच लूँगी और नीडल्स को पीछे की ओर से निकालूँगी और फंसाते हुए इसे कंप्लीट कर दूँगी ये लटकन को, ठीक है। नोट लगा लीजिए और कट कर दीजिए 1 चेन लेते हुए। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे अंदर की ओर करूँगी, अब यहाँ पे क्या करना है उनको कैसे निकालना है वो दिखाती हूँ मैं। ये मैं क्या बोल रही, समझ में नहीं, नींद से। तो ये देखिए उनको आपको इस चेन के अंदर से अंदर करते हुए जाना है। ये देखिए कैसे भी निकाल रही हूँ, उसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है, आपकी जल्दी खुलेगी नहीं, ये देखिए पता भी नहीं चल रहा है। इस तरह से ये एक लटकन मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो यहाँ जितना भी आपका जितना भी ये फ्लावर है सारे एक ही जैसा रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ छोटा बड़ा नहीं कुछ करना है, ये सेम वही रिपीट होगा। 4 में जो बनाई हूँ इसमें भी 4 बनाना है आपको, फिर 15 चेन बनाते हुए, फिर 23 चेन बनाते हुए लटकन तैयार करना है।
तो सेम वही रिपीट करना है। अब इसके बगल में मैं थ्री मोती दूंगी और यहाँ पे टू मोती दूंगी। इस तरह से क्वांटिटी को मैं कम कर दे जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टू, वहाँ पे आपका थ्री और यहाँ पे थ्री, सॉरी टू। तो मैं एक और दिखा देती हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। बीच बीच में मुझे नींद आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लाइट ग्रीन है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है पूरा, लेकिन ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है पूरा। अब मैं यहाँ पे देखिए ज्वाइंट करूँगी इस तरह से, ज्वाइंट कर लेना है और 15 चेन बनाना है आपको। इस तरह से फंसाते हुए आपको कर लेना है। फिर 15 चेन आपको बनाना है। 15 चेन बना लेने के बाद फिर मोती आपको लगाना है। तो यहाँ पे मोती मैं 3 मोती लगाऊंगी, जैसे मैं फर्स्ट वाले लीप में 4 मोती लगाई थी, लेकिन यहाँ पे आपको 3 करना है, क्वांटिटी को कम करते हुए जाना है। ये देखिए, अब मैं कैसे लूँगी वो दिखा देती हूँ। मैं इस तरह से नीडल्स, क्रोचेट नीडल्स में फंसा लेना हुक से और 1 चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट करना है और फिर से मैं 15 चेन बनाऊंगी। ये देखिए मोती मैं लगा चुकी हूँ, इसमें जैसे यहाँ पे लगा रही थी वैसे ही इसमें भी लगाना है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। और ये कैसे लिप बना रही थी वो भी आपको पता है, मैं तो दिखा दी थी आपको। तो ये डार्क है, समझ में नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा अच्छा से। ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से हुक में फंसाते हुए इससे निकालना है। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे मोड़ लीजिए तो ये लटकन तैयार हो जाता है, पूरा अच्छा फिक्स हो जाता है ये। और इसे भी मैं उसी तरह से करूँगी सेम जो मैं पहले दिखा रही थी आपको। तो ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब मुझे नींद बीच बीच में आ जा रहा है, सॉरी इसके लिए। तो ये मैं आपको ऐसे आइडिया दे दे रही हूँ कि फर्स्ट में आपको 4 मोती लगाना है और सेकंड वाले लीफ में आपको 3 मोती लगाना है और जो सबसे लास्ट वाला बीच का है उसमें आपको 2 मोती लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं करूँगी। अब ये लास्ट वाला भी मैं दिखा ही देती हूँ आपको। तो सारा आपको इसी तरह से करना है फ्रेंड। तो मेरा टोटल यहाँ पे 5 लिप तैयार हुआ है गेट के हिसाब से, आपके गेट के हिसाब से। अगर और बड़ी साइज होगी तो आप उस तरह से कॉम्बिनेशन कीजिएगा। ये तो मेरे बिना बिना लटकन का भी बहुत खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइंट करूँगी और 2 मोती लगा के आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लटकन को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि टेबल थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है और ये जो तोरण है थोड़ा बड़ा साइज का हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोती में लगाई यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 3 मोती।
इस तरह से लटकन को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं इस तरह से पूरा करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए 2 मोती लगाई हूँ और यहाँ पे 3 मोती। तो पूरा लटकन मैं करके आपको अब दिखाती हूँ। इस जितना भी फ्लावर है सबसे मैं 1-1 निकालूंगी और सेम 2 मोती, ये सब में भी आपका 2 ही मोती होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ज़्यादा लगाऊँ यहाँ पे कम, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर 3 मोती मैं लगाई हूँ तो यहाँ पे 3 मोती ही लगेगा, यहाँ पे 4 मोती है तो यहाँ पे 4 मोती लगेगा। ये ग्रीन के साथ इसको करना है, इसको इसके साथ करना है। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा लटकन मैं लगा चुकी हूँ, बना चुकी हूँ मैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा ये दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन लग रहा है। ये देखिए मैं दूर से भी दिखा देती हूँ। तो आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और